हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन कार डेटा एंड नॉन कार डेटा। आज हम पढ़ेंगे कार डेटा और नॉन कार डेटा के बीच में क्या क्या अंतर है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, नॉन कार डेटा के सारे फाइलम्स जो हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, स्केलमिंथीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम क्या कॉर्डेटा शुरू करने वाले हैं तो हम देखेंगे। इससे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में कंपैरिजन देख लेते हैं नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी सिमेट्री क्या होती है। बाइलेटरल होती है किसकी, कॉर्डेटा की। जबकि नॉन कॉर्डेट में हमने क्या क्या देखा था, एसिमेट्रिकल भी एनिमल पाए जाते थे, रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती थी। ठीक है, दूसरा क्या कैरेक्टर हम लेते हैं, मेटामेरिज में लेते हैं। हम इसमें देखते हैं टू मेटामेरिज में पाई जाती है और जो कि इंटरनल भी होती है, यानी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं इसके सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अंग तंत्र होते हैं इसके सारे अलग अलग होते हैं। जबकि नॉन कार्डेट में क्या होती थी, स्यूडो मेटामेरिज में पाई जाती है, यानी कि बराबर भागों में ये नहीं डिवाइड होते थे इनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। तीसरा हम कैरेक्टर देखते हैं पोस्टल टेल के बारे में। कॉर्डेट में हम देखेंगे पोस्टनल टेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या होती थी, लैक होती थी, यानी कि अब्सेंट होती थी। चौथा कैरेक्टर हमारे क्या है, जर्म लेयर। कॉर्डेट में जर्म लेयर हम क्या पाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही पाए जाएंगे, जबकि नॉन कॉर्डेट में किसी किसी में अब्सेंट होती थी, किसी में डिप्लोब्लास्टिक होती थी, किसी किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती थी। ठीक है, हमने इस कई प्रकार के देखा था। और सीलोम देखेंगे, कॉर्डेटा में यू सीलोमेट यानी कि टू सीलोम पाया जाता है, जबकि हमने नॉन कॉर्डेटा में देखा ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और इंटेरो सीलोमेट भी हमने देखा था। नोटोकॉर्ड हम देखेंगे कॉर्डेट में क्या होता था, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जबकि हमने नॉन कॉर्डेटा में क्या देखा, अब्सेंट देखा। ठीक है, नर्व कॉर्ड क्या होगा, सिंगल डॉर्सन होलो टाइप का होगा, जबकि इसमें डीवीएस टाइप का, ठीक है, डबल वेंट्रल और सॉलिड टाइप का। ठीक है, गट पोजीशन हम देखेंगे वेंट्रल टू नर्व कार्ड तक होगी, जबकि इसमें डार्सल टू नर्व कार्ड तक थी। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम देखेंगे क्लोज टाइप का, इसमें कॉर्डेटम पाया जाएगा, जबकि नॉन कॉर्डेटम किसी किसी में अब्सेंट था, ओपन टाइप और क्लोज टाइप हमने दोनों टाइप का देखा। हार्ट हम देखेंगे वेंट्रल हार्ट होगा, जबकि हम नॉन कॉर्डेट में देखें डार्सल हार्ट पाया जाता। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या हमने देखा, आरबीसी में पाया जाता है, जबकि हम देखेंगे नॉन कॉर्डेटा डेटा में हमने देखा डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कि हीमोग्लोबिन इसमें डिजॉल्व इन प्लाज्मा पे था जो कि पता नहीं चलता था। ठीक है, यही क्या है हमने देखा कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में हम और देखेंगे इसके क्या क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता था, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता था। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ही वेल डेवलप्ड होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में ऐसा नहीं होता था। और इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, आइडियल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, कॉपुलेशन होता है, ये या तो ओवी पैरस होते हैं या फिर बेबी पैरस होते हैं, कोई कोई ओवो बेबी पैरस दोनों होते हैं। ठीक है, तो यही सब अंतर है किसमें, कार्डेटा में और नॉन कार्डेटा में। ठीक है, आगे देखेंगे हम कार्डेटा के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।